हक और तुम्हारा हक और अधिकार एक छोटी सी टिकट है। आमदार बनने से एक अधिकार मिल जाएंगे। ये हक अधिकार की बात जब हम करते हैं तो पूरे पूरे दिल से करना चाहिए। जैसे ही है कि यहां पर हमारी जनसंख्या है, एक बहुसंख्यक समाज आदिवासी है, सालों से यहां पर हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिला और हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये जायज बात है, सही बात है, लेकिन उससे सच क्या है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं कुछ लोगों को, मैं उनका सबका सम्मान करता हूं, दादा लोगों का जिन्होंने ये बात को रखी, सही है, मैं समर्थन भी करता हूं बात का, लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से। ये जो बिरसा ब्रिगेड का मिशन आप लोगों ने बनाया है, ये जो मिशन पूरे देश में चल रहा है, ये केवल आमदार और खासदार बनाने का मिशन नहीं है। मिशन का ऐसा मानना है कि एक आमदार बनाओगे आप, एक खासदार बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता और कैडर बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर मूवमेंट के लिए काम करेगा। तालियां मत बजाना, ये सोच है मिशन की। ये मिशन का संबंध पवार साहब से नजदीक है, ये बात भी सही है दादा। पवार साहब का अनुभव, उनकी राजनीतिक एक्सपीरियंस का मिशन को, और उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो हमने बोला कि भाई साहब हमारे समाज में प्रतिनिधित्व नहीं है, आप हमारे साथ आ सकते हो क्या? उन्होंने बोला बिल्कुल, मैं आपके साथ सामाजिक क्षेत्र में, आपके मिशन में हम लोग आपका साथ देंगे। ये बात बहुत अच्छी हुई और वो देखने में भी आई कि जब पूरे देश के लोग चुपचाप थे तो पवार साहब ने एक बात बोला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले, जिसकी चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हुई। पवार साहब को मध्य प्रदेश में हमने इंदौर में इनवाइट किया था, तब पवार साहब ने बोला कि आदिवासी ही देश के सच्चे मूल मालिक है, इनको मूल निवासी होने का दर्जा मिलना चाहिए। कोई ताली बजाया, ये बात संयुक्त राष्ट्र में गई और लोग बोलने लगे कि एक देश का नेता, एक बड़ी पार्टी का नेता, एक बहुत एक्सपीरियंस वाले नेता ने यह मान लिया है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, और उन्होंने इस बात को पूरे देश के सामने रखा। जब पवार साहब ने बोला तो राहुल गांधी भी, इस जब मेरी मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से, तो उन्होंने बोला यार सतीश तुम पवार साहब को क्या किए? मैंने बोला क्या किए भाई, वो तो आपकी जैसी भाषा करता है। तो मैंने बोला वो गलत भाषा है क्या, वो सही है क्या गलत है, इस पर बात होनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने भी देखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी उनसे इसी लेवल पर चर्चा हुई। मैंने बोला इस देश का संविधान जिसमें लिखा है उसकी पूर्ति की गई है कि भाई जो इस देश के अनुसूचित जमाति के लोग हैं वही इस देश के आदिवासी और मूल मालिक है। ये बोल रहे हैं कि भारत के संविधान में आदिवासी यह शब्द नहीं है, ये टेक्निकलिटी की बात करते हैं। हमने प्रूव करके बताया कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो इस देश के मूल मालिक है, वो प्रथम नागरिक है। उसके बाद नन्ना भाई भील, जिसको नन्ना घुमाया गया था,
काटे गए थे। उस नंदाबाई भील की पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार नहीं जा रही थी। मैंने कुछ ऐसी बात तो मैंने नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज से कुछ चीज छुपानी भी नहीं चाहिए। मैं कुछ अपने आमदारों को रूम में बंद किया और उनको बोला जिंदा रहना है तो ये हमको करना ही पड़ेगा। उनका दिमाग वॉश किए, उसके बाद उनको समझ में आया कि यह मामला गंभीर है। उनको लग रहा था कि यह केवल नंदाबाई भील का मसला है। जब उनको समझ में आया तो हमको परमिशन मिली महाराष्ट्र सरकार से और हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को फाइल किए और एक निर्णय आया ऐतिहासिक। भारत के इतिहास में ऐसा कोई निर्णय नहीं आया जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आया 2010-11 में कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है और वही इस देश के मूल मालिक है और वो अनुसूचित जनजाति के नाम से संविधान में जाने जाते हैं और उनको मूल निवासी होने का दर्जा मिलना ही चाहिए। फिर ताली बजाए। ये जजमेंट जो पास हुआ जस्टिस काजू का, उसने इस देश में आपको मूल मालिक बना दिया। एक आदिवासी महिला जब नंगी घूमी जाती है उसको नंगा किया जाता है, उसके बाद उसके साथ अत्याचार होता है, उसकी लड़ाई जब लड़ने जाते हैं तब इस देश में 55 साल के बाद एक निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं आदिवासी देश के मूल मालिक है। भगवान राम यहां पैदा हुए जिसके कोई एविडेंस नहीं थे। भगवान राम को पार्टी बनाया गया, उनके भी एविडेंस नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो भूमि है यहीं पर राम पैदा हुए, तो देश के लोगों ने मान लिए, वहां पर राम मंदिर बन गया और राम मंदिर बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला देश का मूल मालिक आदिवासी है, अपने देश का प्रधानमंत्री चुपचाप रहता है यूएन में और ये खबर भेजते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। कोई नेता सामने नहीं आता है बोलने के लिए कि हम मालिक है, हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। साथियों, जो ज्यादा लंगड़ा हो जाता है उसको बैसाखी की जरूरत है। इस देश में सबसे बुरे हाल आदिवासियों के हैं, सबसे तकलीफ में आदिवासी जी रहा है, उसको जिंदा रखने के लिए सहारे की जरूरत है। इसलिए हम मिशन की तरफ से, मेरी सोच ऐसी है कि भारत का जो राष्ट्रीय संविधान में प्रावधान है, जो आरक्षण है, स्वरक्षण है, उसके साथ साथ आदिवासियों को अंतरराष्ट्रीय संविधान में भी आरक्षण, स्वरक्षण और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये यूएन में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसमें जो प्रावधान है मूल निवासियों के लिए, वो प्रावधान आपको मिलना चाहिए। ये लड़ाई का बेसिक, इस लड़ाई का मूल आधार यह है। कोई इलेक्शन में मैंने देखा नहीं कि अपने आदिवासियों ने लिखे होंगे हमको देश का मूल मालिक डिक्लेयर करो। फला कोई भी आता है जिसको कुछ नहीं समझता है, जो संविधान नहीं पढ़ा, वो आदमी बोलता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अबे आदिवासी हिंदुओं के खिलाफ में नहीं है। शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पे बोल रहा हूं मैं। शिवाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य या उसकी जो संस्कृति थी वो हिंदू राष्ट्र की नहीं थी, सिंधु राष्ट्र की थी। उसकी संस्कृति आदिवासी संस्कृति थी। संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा को हटा के प्राकृत बोली भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिलाया, जो आदिवासी मावली भाषा है, जिसको प्राकृत भाषा बोलते हैं। उस वक्त कोई पत्नी मर जाए, पति मर जाए तो उसकी पत्नी को सती कर दिया जाता था। सनातन धर्म और मनुवादी धर्म जिसको बोलते हैं उनके हिसाब से। लेकिन इसी सिग्नल में ये गवाह है कि जब शिवाजी महाराज के पिता गुजर गए उनकी मां को सती करने का प्रावधान दिया गया था। यहां के आदिवासियों ने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद
जिजाओं को राजमाता का दर्जा दिया और उनके हाथ में सत्ता दी। ये केवल आदिवासी संस्कृति के वजह से हुआ है, दूसरी संस्कृति में इसके कोई प्रावधान नहीं है। आदिवासियों ने शिवाजी महाराज की मां को जिजाऊ माता बनाया, सर्वमान्य राजा बनाया। उस संस्कृति के आप वारिस हो। संभाजी महाराज का झुकाव आखिरी तक आदिवासियों की तरफ में था। शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक पहले आदिवासियों ने किया, यहां के मनुवादियों ने उसका विरोध किया, उसके बाद में दूसरी बार राज्य अभिषेक किया गया, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि अगर आदिवासियों का राज्य अभिषेक आदिवासी संस्कृति से शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हो गया तो इस देश में पूरी आदिवासी संस्कृति खड़े हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएगी सबकी। कुछ लोग मेरे से सवाल पूछते थे, डिबेट करते थे। कुछ लोगों ने पूछा कि ये तलवारबाजी का जो हुनर है फलाने ने सिखाया, तलवारबाजी का हुनर संभाजी महाराज को किसने सिखाया, ये फलाने इसने सिखाया, वो उसने सिखाया, ये पेशवाई वाली भाषा करते थे। मैंने एक ही सवाल पूछा, तलवार चलाना बड़ी बात नहीं है, ढाल चलाने का हुनर आना चाहिए, बचेगा तो मारेगा, बचेगा ही नहीं तो मारेगा कैसे। संभाजी महाराज को ढाल चलाने की जो शिक्षा है वो आदिवासियों ने दी है। ये दुनिया में एक ही कौम जानती है, पूरे देश में नहीं, दुनिया में एक ही कौम के पास हुनर है ढाल चलाने की, हुनर केवल आदिवासियों के पास में है। आदिवासी कभी किसी पे आक्रमण नहीं करते। एक उदाहरण बता दो, किसी ने आदिवासी राजा ने किसी की संतानत को छीना है, किसी के राज्य को छीना है। साथियों, मैं इस लड़ाई को उस तरीके से नहीं देखता हूं कि हमको प्रतिनिधित्व देना है, नहीं। बिरसा ब्रिगेड जहां पर शिवाजी महाराज पैदा हुए वहां प्रतिनिधित्व मांगता है, शिवाजी महाराज के विचारों का प्रतिनिधित्व पूरे दुनिया में ले जाना चाहता हूं मैं। हम बिरसा ब्रिगेड के मार्फत पूरी दुनिया के लोगों को संभाजी महाराज की विचारधारा, आदिवासियों को उनके साथ कनेक्शन और आदिवासी संस्कृति के साथ यहां के मराठाओं का रिलेशन ये बताना चाहते हैं। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने आपको टिकट नहीं दिया, किसी ने हमारे समाज को पूछा ही नहीं, तो तुम्हारे पास उसका सलूशन होना चाहिए कि नहीं? वो सलूशन निकालने की क्षमता मिशन के पास होनी चाहिए, और अगर वो सलूशन हम लोगों ने नहीं निकाल पाए तो हम फेल हो गए। ये व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये समाज का प्रश्न है। आज आदिवासी यहां मांग रहा है तो मराठाओं के मन में आ जाएगा, अरे यार ये तो हमारी भी सीट छीनने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत सोच हो सकती है, सामाजिक सोच कुछ अलग है। अगर संभाजी महाराज शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में इस पवित्र जगह पर अगर पवार साहब की सोच बनती है या उनकी कोई दूसरी पार्टी की भी सोच बनती है कि हम आदिवासियों को अपना कैंडिडेट बनाएंगे, हम आदिवासियों को नेतृत्व देंगे, तो इतिहास रिपीट होगा। किला आदिवासियों का, जमीन आदिवासियों की, सेना आदिवासियों की, राजा शिवाजी कैसे, किस सोच की वजह से बने, इस पर सोचनी चाहिए हम लोगों ने, इस पर बात करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि वो कौन सी विचारधारा थी जब सब हम एक जगह थे। मैं बार बार बोलता हूं, किसी को उचकाने के लिए, किसी का मन दुखी करने की भावना मेरे में नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज ने जय श्री राम नहीं बोला, हर हर महादेव बोला, जय भवानी बोला। मराठी में उसका अर्थ क्या निकालते हैं आप मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आदिवासी भाषा में
भवानी को अपनी दादी की माँ, दादी की नानी, यानी दादी की माँ की माँ, उसको भवानी बोलते हैं। भवानी और भवानी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। भवानी यानी पुरुष वाचक, भवानी यानी महिला वाचक। शिव का उल्लेख, शिव संस्कृति का उल्लेख, ये हर आदिवासी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूं। इस देश में शिव को बदनाम करने का भी षड्यंत्र चल रहा है, शिव को छोटा करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। महादेव करके सीरियल आता है, मैंने उसकी क्लिप में देखा कि पार्वती महादेव को पूछते हैं, माता पार्वती पूछती है भगवान महादेव को कि आप अकेले में बैठ के किसका ध्यान करते हो, तो महादेव जवाब देता है मैं राम का ध्यान करता हूं। हजम होने वाली बात है कि मैं पहले पैदा कौन हुआ? इसका मतलब इसके पीछे एक षड्यंत्र छुपा है भगवान शिव को कम करने का, शुरू से सभ्यता को खत्म करने का षड्यंत्र चलते हुए आया है। क्या यहां का ओबीसी, यहां का मराठा, यहां का दलित, यहां का बहुजन छाते में रख के हाथ बोल सकता है मैं आदिवासियों का वंशज हूं? खुद को तो हिंदू बोल देता है भाई, ये छोटी चीज है, क्योंकि जिनके पास हिंदुत्व का कंट्रोल है वो बड़े लोग हैं, लेकिन जिसके पास सांस्कृतिक कंट्रोल है, जो उसके वारिस है, वो बहुत छोटे लोग हैं, नंगे बदन वाले लोग हैं, ये लंगोटी वाले लोग हैं। लंगोटी वाले को भाई बोलने के लिए कलेजा लगेगा, सोच लगेगी, समझ लगेगा, संयम लगेगा। ये आदिवासियों को अपना भाई बोले, इस तरफ इस मोमेंट को ले जाने की कोशिश चालू है। हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, आपने हमको वनवासी बोल दिया, हमने कुछ बोले? आप खुलेआम इस देश के मालिक को वनवासी बोलते हो। अगर जंगल में शेर रहता है, सुअर रहता है, जानवर रहते हैं, आदिवासी भी रहता है, ये मानववाचक शब्द नहीं है, तो भी आपको बोला जा रहा है। पहले असुर बोलते थे, फिर राक्षस बोलते थे, फिर वानर बोलते थे, अब वनवासी बोलने लग गए। मूल्यवासी, आदिवासी, वनवासी, स्वर्गवासी, ये प्लानिंग है। ये सोच के खिलाफ की हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में वो हमारे साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसका टेस्ट करना है। सर आप तो आदिवासी वादड़ हो, मेरे को मराठी समझता नहीं ज्यादा, लेकिन आदिवासियों की आप आवाज हो। अरे एक आमदार का पोस्ट नहीं मिलने से तुम्हारा कुछ हल्का भारी हो जाएगा? शेर तो शेर ही रहेगा। मैं मेरी जिंदगी के 29 साल दे दिया, मैं स्टूडेंट लाइफ से आया हूं। कुछ भाई सीपीएम की बात कर रहे थे, आपने अच्छा बोले सीपीएम के बारे में, आपने बोले मैं सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये सब पूरी जितनी फैक्ट्री है विचारों की, उसमें से निकला। इस देश का समाजवाद जो है, जो बुनियादी समाजवाद है, वो आदिवासी संस्कृति में है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग खुल के नहीं बोल रहे कि आदिवासी देश का मालिक है। मेरी समस्या यह है, वो वर्गवादी विश्लेषण करते हैं। सांस्कृतिक विश्लेषण से क्यों डरते हैं? जब आप मटेरियलिस्टिक भौतिक भौतिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जब आप पढ़ाई करते हो, जब समाजवाद की पढ़ाई करते हो, तो आदिवासियों को आदिवासियत और उसकी संस्कृति को समाजवादी संस्कृति बोलने से कतराते क्यों? खुली बात करो, खुली, डर के मत बात करो।
समाज को मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ताकत यह है तुम्हारा क्या कहना है तुम देखते बैठो। हमारी नहीं नहीं है, हम मांग नहीं है, हम सोच एक जगह आ रहे हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं। यह ताकत का उपयोग समाज की उन्नति के लिए, समाज के प्रोटेक्शन के लिए, समाज की आने वाली जनरेशन को जिंदा रखने के लिए होना चाहिए। अधिकार परिषद की मैं इसलिए बात कर रहा हूं भाइयों कि हमारे बच्चे, यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मन कायदा बनाई थी, यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तुम्हारा पेशा कायदा बनाई है और ये गांव में ढिंडोरा पिटते हैं, पेशा कायदे जाओ ते झाला पाइजे, क्या बोलते उसको, अमल बचाओ नहीं झाली पाइजे। अब इन्होंने अमल बजाने की जगह दूसरा शब्द ला लिया, पेशा कायदा चा नाइन आठ आदिवासी विकास झलच पाइजे की जगह आदिवासी विनाश झलच पाइजे, ये धोरण बना लिए। एक महीने ट्रेडिशन नहीं कर पा रही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आदिवासी नेता और आदिवासियों के वोट लेने वाले नेता खामोश क्यों है, बोलते क्यों नहीं है? आदिवासी नेता वो खामोश है, आदिवासियों के वोट लेकर बने हुए नेता वो भी खामोश है, मामला क्या है, क्यों हजम नहीं हो रहा है? ये आदिवासी अधिकार परिषद लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको यह समझा देने का यह है कि आपको मारने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बोगस आदिवासियों की जगह असली आदिवासियों को दो, इनके बैकलॉग्स क्लियर करो, इनकी लाइन ऑफ एक्शन रिजर्वेशन का जो बैकलॉग है उसको पूरा भरो, लेकिन गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया। जो बोगस आदिवासी थे उनके लिए जीआर बनाया, उनको प्रोटेक्शन दे दिया, मानवीय आधार पे किया, अबे उसके साथ मानवीय आधार और आदिवासियों के साथ अमानवीय आधार, उसके साथ मानवीय व्यवहार, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार। चल ठीक है उनको प्रोटेक्शन दो, हमारे रिजर्वेशन का क्या, हमारे रिजर्वेशन का क्या? पिछले 5 साल में 11,200 लोग भर्ती हुए आदिवासियों, कितने 11,200, मैं ज्यादा बोल रहा हूं हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों की कोई भर्ती नहीं हुई। और आदिवासियों में बेरोजगारी की संख्या कितनी है, 4,52,00,000, 4,52,00,000 बेरोजगार बच्चे जिस समाज में है वहां 11,000 नौकरी क्या होती हो, ये तो ईंट के मुंह में जीरा। कौन से रिजर्वेशन की लड़ाई की बात कर रहे हो आप, जहां पोस्ट ही नहीं है आप कैसे जिंदा रहोगे? आधे से ज्यादा आदिवासियों का सर्वे हुआ, लेबर सर्वे, इसमें आता है आदिवासी बच्चों के लिए ये 10 महीने का पैसा दे रहे हैं, फिर भी डीबीटी के पैसे से क्या हाल हो रहे हैं आपको मालूम है, उसका पैसा ही खर्च हो जाता है, उसको खाना नहीं मिलता है, ये पैसे ले और देखते बैठ तू। ये एटीट्यूड है महाराष्ट्र सरकार का कि हम तुम्हारी जवाबदारी नहीं लेंगे, इरिस्पॉन्सिबिलिटीज, इग्नोरेंस। आपके लिए जो स्टेट की ओपिनियन है वो इग्नोरेंस वाला ओपिनियन है, आपको वो ध्यान नहीं देना चाहते, पैसे ले और निकल कर ले पढ़ाई। आपकी शिक्षा की गारंटी, आपके शिक्षा का नियोजन, आपके शिक्षा का प्रयोजन ये गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, इसको बोलते टू रिफ्यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्राइब्स। सुप्रीम कोर्ट में भी ये स्टैंड आया है, 10 महीने की डिप्टी दे रहे हैं, इनका कहना है 10 महीने पढ़ाई कर, 2 महीने की पैसे नहीं दूंगा तेरे को, 2 महीने की डिप्टी नहीं मिलती है इसलिए डिप्टी चला रहे हैं, और वो 2 महीने की डिप्टी कई करोड़ों रुपया हो गया, किसके जेब में जा रहा है? डीबीटी का पैसा कहीं लाडली बहना में तो नहीं जा रहा? हंसने की बात नहीं है,
12 महीने दूसरे बच्चों को पढ़ाई करने की बात की जा रही है और 10 महीने आपके बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2 महीने का राशन आपके बच्चे को नहीं देंगे और नहीं दे रहे हैं। अपने नेता चुपचाप क्यों है? क्योंकि इनके बैंक में पैसा जा रहा है। डीबीटी का पैसा 2 दिन भी रख दिए तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट आता है। कई कोऑपरेटिव बैंक जिंदा है डीबीटी के भरोसे। ये बड़े बड़े आईसीसी और ये प्राइवेट बैंक्स भी जिंदा है डीबीटी के भरोसे। ये घोटाला है, इस पर डिबेट करें ना। जिसको डीबीटी पर लागू करना है मैं खुलेआम उनसे ये करता हूं, इस पर डिबेट तो करें। तुम्हारे बच्चों के पढ़ने की भी बोली लग रही है। पूरा आदिवासी डिपार्टमेंट ठेकेदारी में चल रहा है। इन्होंने ठेकेदारी पे इतने कर्मचारी भर दिए हैं कि अब ये बोलने लगा दिए कि ठेकेदारी में जो कर्मचारी भरे हैं उनको नियमित किया जाए। अबे तो रिजर्वेशन का पालन कैसे होगा, पैसा का पालन कैसे होगा? ठेकेदारी में तो ओपन के भर दिए आपने, आदिवासी तो भरे नहीं। 4% आदिवासी भरे हैं तो नौकरियां किसको मिलेगी, आदिवासी को कि गैर आदिवासी को? डिपार्टमेंट तुम्हारा, मौज ठेकेदार करता है, मिनिस्टर करता है, ऑफिसर करते हैं। कोई योजना आती है तो सबसे ज्यादा खुश ठेकेदार और ऑफिसर लोग होते हैं, बेचारा आदिवासी चुपचाप रहता है। ये झोपड़ी पे पन्ने डालने की स्कीम, उसको सेड़े पालने की स्कीम, बकरी पालने की स्कीम, बाजा बजाने की स्कीम। अबे तुम्हारे बारे में, आदिवासियों के बारे में सोच क्या है? तुम्हारे डेवलपमेंट के बारे में क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट के पास? इस पर बात क्यों नहीं करते? क्यों चुपचाप है अपना आदिवासी मिनिस्टर? बैल जैसे सांझ जैसे बैठे रहते हैं। आश्रम स्कूल में बच्चा मर गया, अभी भी उसको 30,000 से 40,000 रुपए का चेक। तुम्हारे बच्चे की जान की कीमत कितनी? मैं बार बार बोलता हूं, जानवरों की, बकरा भी 1 लाख का बिकता है इनका, तो भी हम चुपचाप किए मेरे भाई। ऐसे प्रोविजन से तुम्हारे समाज का विकास होगा, हमारे समाज का विकास हो सकेगा। ये हक अधिकार सम्मेलन हक लक्ष्य होती है चीज, जिसको राइट्स बोलते हैं। अधिकार का मतलब क्या? एक ही शब्द है दोनों या अलग अलग है? चलो मैं सबसे पूछता हूं, यहां खड़े होकर जवाब दो। आदिवासी की जमीन पर भी गेहूं उगता है, चावल उगता है, सब उगता है। गैर आदिवासी की जमीन पर भी गेहूं उगता है, चावल उगता है, सब उगता है। आदिवासी की जमीन 10 लाख रुपए एकड़ और गैर आदिवासी की 1 करोड़ रुपए एकड़, क्यों? थोड़ा खड़े होकर जवाब दो। चलो, नेतृत्व करना चाहते हैं समाज का, ऐसा क्यों है? आदिवासी बच्चा मरता है तो 40,000, गैर आदिवासी बच्चा मरता है तो 4 लाख, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? आपकी कीमत ही कम कर दिए, आपकी जान की कीमत, आपके बच्चों की जान की कीमत अगर कम हो गई तो आपकी राजनीतिक वैल्यू क्या रहेगी? जिस समाज की सोशल वैल्यू खत्म हो गई है, उस समाज की पॉलिटिकल वैल्यू कैसे स्टार्ट हो पाएगी? दादा, मैं हमारे लोगों को पूछता हूं, हर समय बात करता हूं, हर जगह बोलता हूं, पूरे देश भर में बताता हूं, तुमको जमीन देने वाले भगवान का नाम बताओ। ज्या देवानी तुम्हाला जमीन दिली त्या देवांचं नाव सांगा। कोणत्या देव आहे तो? तो इनका देव जैसे स्थान है क्या तुम्हारे घरों में, तुम्हारी बस्तियों में? उनकी विचारधारा का क्या है? राघोजी भांगरा का, भांगरे की विचारधारा, उसका इतिहास नहीं, उसकी विचारधारा क्या थी, ये किसी ने तुमको पूछा? क्या जवाब दोगे?
नागे कातकरी की कौन सी विचारधारा थी? मैंने कल बोला 60,000 कितने लोग मरे, कल बोला मैंने भाषण में, सिर्फ 13 साल में, 30 साल के अंदर अंतरकाल में 60,000 लोग मरे थे उस वक्त इस जमीन के आंदोलन के लिए। झूठ बात है तो मेरे को बाद में बोलना, मैं सच बात बोल रहा हूं। इको टूरिज्म का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, इको टूरिज्म पर्यावरण का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया विदेश के बड़े बड़े कंपनियों के साथ, पूंजीपतियों के साथ में, और वो जमीन किसकी दे रहे हैं? आदिवासियों की जमीन कर रहे हैं। ये पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासियों की जमीनों का सौदा हो गया है। विस्थापित कौन होगा, कौन बेघर होगा, किसकी संस्कृति खत्म होगी, किसका अस्तित्व खत्म होगा, किसके पुरखों की प्राचीन जमीनें छीनी जाएगी, वो कौन है? तो तुम्हारा आदिवासी नेता चुपचाप क्यों है? ये जब साइन होता है तब आदिवासी चुपचाप क्यों रहते हैं? तब पार्टियां चुपचाप क्यों रहती है? जो गढ़चिरौली के हाल है, बस्तर के हाल हो रहे हैं, जो माइनिंग में उड़ीसा के हाल हो रहे, झारखंड के हाल हो रहे, वही हाल अभी इधर के होने वाले हैं। सह्याद्री पे बहुत तीखी नजर है लोगों की, आदिवासी पे भी नजर है और उसकी जमीनों पर भी नजर है। जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है, जहां जहां इनके प्रकल्प बन रहे हैं, वहां वहां इन्होंने आर्मी लगा दिए है। पुलिस नहीं, क्या लगाए? आर्मी। और उसको कानूनन रूप दिया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में हम आर्मी के स्टेशन बनाएंगे, और वही कानून था जिसको 2023 में भारत सरकार ने बनाई, वन सुरक्षण संवर्धन नियम अधिनियम 1980 के नियम को जो इन्होंने अमेंड किया, वो कानून बनाए और उसमें प्रावधान किए कि आदिवासी क्षेत्रों में हम अब क्या बनाएंगे, सेना के ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे, आदिवासी जमीनों पर अब अलग टाइप की प्लानिंग होगी, वो कॉर्पोरेट्स को दिए जाएंगे, और जो एक्ट बनाया गया उसमें आदिवासी शब्द ही नहीं है। साथियों, अगर वो कानून 6 महीने के लिए भी भारत में लागू हो जाएगा तो आदिवासियों का इतिहास सहित आदिवासी समाप्त हो जाएंगे, उनका पूरा इतिहास ही खत्म हो जाएगा, उनकी जमीन हमेशा हमेशा के लिए चले जाएगी। वो काले कानून के खिलाफ में हमने पिटीशन डाले बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, मेरे को बहुत लोग डराए, अरे सतीश में नाम तेरे को मार डालेंगे, तेरे को खत्म कर देंगे, तू कौन सी खेत की बोली है? देख, वो आप पार्टी का नेता केजरीवाल, उसका क्या हुआ? हेमंत सोरेन का क्या हुआ? फलाने का क्या हुआ? तू कौन सी खेत की मूली है? देखो तुम्हारे डालेंगे, इतना डरा है। मैंने बोला यार, मरे हुए आदमी को क्या मारने का डर बता रहे हो? हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमने बिरसा मुंडा की, टंटा भील की, राघो जी भांगड़े की मूवमेंट को खड़ा किया, पिटीशन डाले, और वो पिटीशन के सहारे उसको स्टे किए, उस काले कानून को स्टे लाए। अभी उसकी फाइनल हियरिंग होने वाली है। एक मामूली सा बोगस आदिवासी का केस डालते हैं तो लाखों रुपए का चंदा कर लेते हैं, क्योंकि अधिकारियों का, कर्मचारियों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि नहीं नहीं अपने प्रमोशन झाले पाहिजे, अपने परमिशन झाला पाहिजे, काहीतरी आपल्याला भेटला पाहिजे, म्हणून तो खूप लाखोंनी पैसे, लाखों पैसे तो त्याच्यासाठी देतो, गोळा करून घेतात हे लोक। इतने पैसे वैसे नहीं लगते, ये धंधा बना लिए। लेकिन तुम्हारे आज तक के भारत में आदिवासियों पर सबसे बड़ी पिटीशन है ये, इसमें से कितने लोगों ने 1,000 रुपए का चंदा दिया उसके लिए, उस पिटीशन को लड़ने के लिए? जो अब तक के भारत में आदिवासी अधिकारों से संबंधित, उसके 5वीं अनुसूची के अधिकारों से संबंधित, उसके स्वायत्तता के अधिकारों से संबंधित, 13 का 13(3) का से
अधिकारों से संबंधित, स्पेशल राइट्स और आइडेंटिटी से संबंधित सबसे बड़ी पिटीशन है जिसको अपन ने स्टे करके रखे हैं, जो मोदी सरकार के खिलाफ है अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है। साथियों, हमारे समाज के कर्मचारी को नहीं लगता है कि वो जंगल में रहने वाला आदिवासी जीवित रहे। आपका जो जंगल का वो हुआ वो 2023 के विशेष कानून के ही तहत हुआ है, उसका प्रिडिक्शन आप देखना यहां के गृह मंत्रालय से, यहां के वन मंत्रालय के जो सेक्रेटरीज है उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है उसके बारे में। साथियों, ये हक और अधिकार परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोगों को यह मालूम हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। कितने लोगों को मालूम है कि यह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है? कितने लोगों को मालूम है कि बिरसा ब्रिगेड ये देश की आदिवासी विचार मंच के साथ देश का सबसे बड़ा पिटीशन लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? अगर ये हार गए हम तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको मिले हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे पहचान के साथ। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है आरएसएस का और बीजेपी का। कितने लोगों को मालूम है? कौन डिबेट करता है उस पर? कितने लोगों ने पिटीशन पढ़ी है? कितने लोगों ने उस एक्ट को देखा है? उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आपके बाल बच्चे अब सुरक्षित रहने वाले नहीं है, ये गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाली नहीं है। अब हम ये बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी आरएसएस की सरकार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, कल आने वाली सरकार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगी, इसकी क्या गारंटी है? पार्टी और सरकार नेताओं के भरोसे समाज को नहीं खड़ा करने का। समाज को अगर जिंदा रखना है तो आपका अपना सामाजिक मिशन होना बहुत जरूरी है पर्यायी तरीके से। मुसलमान को रिजर्वेशन है क्या? कैसे जीवित है वो इसमें? बिगर रिजर्वेशन के मुस्लिम यहां पर जिंदा है। इनके किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ में लड़ने के लिए सरकार पर डिपेंड ना होते हुए हमारी सामाजिक व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना है कि हमारा समाज जिंदा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट आपके हाथ में है क्या? सरकार आपकी सुनती है? इस देश की न्याय व्यवस्था में आपके लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज तक के एक आदिवासी जज नहीं बना है। जब मणिपुर की घटना हो रही है, अभी भी हो रही है, राज्यपाल कौन है? वहां की आदिवासी। राष्ट्रपति कौन है? दोनों महिला है, और ये महिला आदिवासियों के रहते हुए नंगा तुम्हारा नाच बताया गया पूरे देश को। साथियों, ये घटना नहीं है, ये आदिवासियों के लिए चुनौती है। इतनी बड़ी घटना जिसको वर्ल्ड के लोगों ने देखे और उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक के संसद में एक भी बयान प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है मणिपुर की घटना के बारे में। क्या संकेत है? तुम्हारी आदिवासी भाई चुपचाप है? इतनी बड़ी घटना होती है और उस पर प्रधानमंत्री चुप, तुम्हारी आदिवासी राष्ट्रपति चुप? अरे राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद हो सकता है क्या तुमको? अब तो आदिवासी राष्ट्रपति है तो भी तुम्हारे ये हाल है। इसमें से क्या संदेश मिलता है हमको बताइए? क्या हल निकालेंगे आप? साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शंस में आदिवासी आमदार ने आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तरफ उनको जाना पड़ेगा। हमारा सामाजिक हस्तक्षेप करना पड़ेगा। 58 सीटें हैं, 54 नहीं, कल 54 बोला था, मैं आज स्टडी किया, 58 सीटें हैं जिसको आदिवासी उलटफेर कर सकते हैं। 22 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस की है, 26 सीटें कांग्रेस की है और बची हुई सीटें यूबीटी की है। अगर ये गठबंधन के लोगों को ऐसा लगता है कि गठबंधन का कुछ खरा खोरा होना चाहिए, सही सही चलना चाहिए, तो आदिवासियों को बैठकर उनके साथ बात करने चाहिए, और नहीं
तो गए भाई जमाने में। हम तय कर सकते हैं, और मैं यहां से इसलिए बोल रहा हूं, कोई ठोकने वाली बातें नहीं कर रहा हूं। जिन सीटों की मैं बात कर रहा हूं उसमें बिरसा ब्रिगेड का वजूद है, हमारे सामाजिक संगठनों का वजूद है, हमारे नेताओं का प्रभाव है, सामाजिक नेताओं का प्रभाव है। शरद पवार हमारे साथ बैठते हैं, हमसे बात कर लेते हैं, हमको पूछते हैं, रिपोर्ट मंगाते हैं, हमको इंटरटेन करते हैं। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, यूपीटी के लोग क्या कर रहे हैं? अरे हमने लोकसभा में किसी से पूछ के किसी से 2 रुपए नहीं लिए, कोई बोलते नेता आदिवासी ने बिरसा ब्रिगेड के लोगों ने पैसा लिया होगा। बिगर बोले इनकी सीटें चुना के लाए, गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र से इनको चुना के लाए, उनको लग रहा है कि वो इतने बड़े नेता हो गए कि वो चुना के ला लिए। वे ठीक है, इस बार आदिवासी चुपचाप रहता है, तुम्हारे में दम है तो चुन के आ जाओ। ये मेरी इस मत से कांग्रेस के नेताओं को, यूपीटी के नेताओं को खुली चुनौती है। शरद पवार जी की पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, बात करते हैं, डायलॉग कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, लेकिन इन्होंने तो अभी तक के घास भी नहीं डाली, हमको पूछा भी नहीं। इनको लग रहा है आदिवासी कांग्रेस के पास में गिरवी है, उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के पास में गिरवी है। यहां पर भी ठीक ठाक डिसीजन नहीं हुआ तो हो सकता है पवार साहब की भी पार्टी में कुछ तो भी गड़बड़ हो सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, छोटा मत सोचो। अरे आप शिवाजी महाराज की धरती पर रहे, पूरे देश के आदिवासियों की नजर यहां के आदिवासियों पर है कि आप क्या निर्णय लेंगे, आप मूवमेंट को किस तरफ लेके जाएंगे। ये बात सही है कि बिरसा ब्रिगेड का काम सिमनेरी में, जुन्नर में बहुत अच्छा है। क्या आंबे गांव में कम है, क्या अकोले में कम है, क्या गढ़चिरौली में कम है, अमरावती में कम है, यवतमाल में कम है? ये यवतमाल के प्रतिनिधि बैठे हैं यहां। सिर्फ बिरसा ब्रिगेड ने चुपचाप भी रहा चंद्रपुर में, वर्धा में, तो इनकी सीटें हार जाए गई, गवर्नमेंट नहीं बनेगी। मैं यहां से दावे के साथ बोल रहा हूं, लेकिन जो व्यवहार आदिवासियों के साथ में हो रहा है राजनीतिक पार्टियों का, वो बहुत ही निंदनीय है। यहां के नेताओं को लगता है मैं बहुत बड़ा नेता हूं, कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है हमारा चेहरा देख के वोट दे रहे हैं, तो चलो प्रैक्टिकल कर लो, एक बार प्रैक्टिकल कर लो, सबको पता चल जाएगा वास्तविकता क्या है। आदिवासी क्षेत्र में घुसने के लिए तुम्हारे पास कौन सा चेहरा है बताइए। पूरे महाराष्ट्र में आपसे पूछता हूं, एक आदिवासी नेता का नाम बताओ जो आदिवासियों का नेतृत्व करके सामाजिक न्याय दिला दे, हमको राजनीतिक न्याय दिला दे। एक नेता का नाम बताओ, दादा मैं उसके घर का एड्रेस लेता हूं, मैं अभी जाता हूं। यह स्थिति आ गई अपने समाज की, और इस स्थिति में हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। पहला, क्या आदिवासियों का हस्तक्षेप रहेगा, क्या आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, क्या आदिवासियों को राजनीतिक न्याय मिलेगा, क्या गैर आरक्षित सीटें जहां पर आदिवासी बहुल है वहां पर उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, हमको दिया जाएगा कि 25 सीटों पे तुम है, तुमको आरक्षित है, बस उतने लड़ लो। हमारी ये तैयारी है, जहां पर गैर आरक्षित सीटें हैं और जहां हमारी संख्या बहुल है वहां पर भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस दिशा में मिशन काम कर रहा है। जो आप लोगों ने बोले मंच पर, आपकी बात से हम सहमत है। मेरे को बार बार बोलना जा रहा था, दादा शरद पवार जी से आप ला लो टिकट, ला लो। इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता थे, अपने आदिवासी नेता थे पवार साहब के पास में, उन्होंने क्या किया? अरे मैं तो पवार साहब की पार्टी का भी सदस्य नहीं हूं, कांग्रेस का भी सदस्य नहीं हूं, नहीं ओबाटा का सदस्य हूं, मैं सदस्य हूं समाज का।
बिरसा ब्रिगेड का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन आपसे वादा कर रहे हैं जब तक के पूरे आदिवासी समाज के का समाधान नहीं होगा तब तक के यहां पर कोई बात नहीं की जाएगी, यहां पर मैं तो आऊंगा ही नहीं, क्योंकि जुन्नर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जुन्नर के आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मनी मारे गांव, यहां पर आदिवासी बहुल, चंद्रपुर में आदिवासी बहुल, रामटेक में आदिवासी बहुल, वर्धा के आरबी में आदिवासी बहुल, 1,70,70,80,80,000 के ऊपर वोट है आदिवासियों, और ये गैर आरक्षित क्षेत्र है। महाराष्ट्र में ऐसे 23 गैर आरक्षित क्षेत्र है जहां आदिवासी भविष्य तय करता है। अगर वो सीटों पर हमने कोई अच्छी रणनीति बनाए तो जो 25 आमदार है आदिवासियों के वो 35 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। हम चाहे तो गवर्नमेंट बना दे और हम चाहे तो गवर्नमेंट गिरा दे, इस स्थिति में आदिवासी है। आप लोगों से मेरी विनती है, संयम के साथ पूरे ठंडे दिमाग से, सही बात है राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, लेकिन बिरसा ब्रिगेड पहली बार आया है, अब तक के सामाजिक क्षेत्र में करने काम करने का एक्सपीरियंस है, राजकारण करने का आप लोग दायित्व दे रहे हैं। आप सब लोग बोल रहे हैं कि मैं कुछ सब बोलते हैं सतीश दादा आता काई तेरी झाला पाई, यानी आप समाजकरण करवाए मेरे से, अब राजकारण भी करवा रहे हैं, पहले चीत बोले अब पट भी बोल रहे हैं, तो कल एग्जाम भी आएगा सतीश दादा तो समाजकरण कम राजकारण ज्यादा कर दो, तो कल बिरसा ब्रिगेड पे आरोप लगेंगे कि ये संगठन राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन नहीं है। इन सब चीजों से आपको उभर के आना है। अपने पास आदिवासी बादल जैसे लोग हैं, इनके पास भी अनुभव है कि कितने तकलीफों से गुजरे होंगे जब इनको जिला परिषद अध्यक्ष बनाया होगा, क्या क्या किए होंगे उनका उन्हीं को मालूम। अब मैं राजनीति में जाने के लिए आप लोग बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने तो खुजा लिया, तू भी जाके खुजा ले, यानी मैं तुम्हारा हूं, तू थोड़ा डूब के देख, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एक शेर है, बहुत अच्छे शायर का शेर है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, और हम तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर यानी सपना, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो इस घर को बचाए कैसे, इस समाज को कैसे बचाए, इस बारे में बात होनी चाहिए। भाई साहब आदमी के बारे में गौन, सतीश पिंदाम एमएलसी बने, सतीश पिंदाम राज्यसभा गए, अरे भगावना यार, नहीं दिए तो क्या हो रहा है। पहले स्कूटर पे चलते थे, थोड़ी सी कार किराए की मिल गई, ज्यादा ही थोड़ा तो साइकिल पे जाएंगे, लेकिन मूवमेंट कम नहीं होना चाहिए। दादा हम आपके साथ तब भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन हमारी जो लाइन है वो लाइन सामाजिक होनी चाहिए, हमारी सब लोगों की लाइन सामाजिक होनी चाहिए। भोले सर जैसे लोग खुल के आके बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि हम लोग सब लोग बोल रहे हैं आता आपला आलच पाइजे, लई झाला आता काही तरी वेड वेगड़ा झालच पाइजे, काय झालच पाइजे, इतका इसका छोटा इतनी छोटी बात को क्यों जम के बोलते हैं, बड़ी बात को जम के बोलो ना कि इस देश के मालिक हम बनना ही चाहिए, अभी घोषित होना ही चाहिए। मैं ये घोषणा कर रहा हूं आपको कि शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पर सब लोग सुन लो कार्यकर्ता लोग, कि शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पर अगला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है आदिवासियों का, यहां पे 26 देश के लोग आएंगे,
और इसी शिवाजी महाराज के पास से पता लगाए में हम बताएंगे ओरिजिनल वंशज कौन है। शिवाजी महाराज के वंशज नहीं, शिवाजी महाराज किसका वंशज है ये बताने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये जो मूल निवासी वाला हमारा आंदोलन है, मूल मालिक वाला, वो आंदोलन का दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग जुन्नर में करने वाले हैं। वो अंतरराष्ट्रीय अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, हाथ और अधिकारों को प्राप्त करने का अधिवेशन रहेगा। आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, आप लोग को पूरे विश्व में याद किया जाएगा। हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि संभाजी महाराज की जमीन, शिवाजी महाराज का जन्म स्थल और राघोजी भांगरे का कर्म स्थल कौन सा है, इसको पूरे विश्व में फेमस करना चाहते हैं। जो विधायक बनेगा वो उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करेगा, वो सिर्फ रास्ते बनाने और नली बनाने के लिए विधायक नहीं बनेगा, वो समाज की लाइन खड़े करने के लिए बनेगा। और ये सबको मालूम है कि समाज में क्या हालत है, कितने बुरे हालत है हमारे। हमने खासदार बनाए, सांसद को मदद किए, पवार साहब के कहने पर कांग्रेस से बिगर बात किए, यूबीटी से बिगर बात, अभी तक के मैं उद्धव ठाकरे जी से बात नहीं कर पाया, मिला भी नहीं। राहुल गांधी से मिल लिया था लेकिन उद्धव ठाकरे से आज तक नहीं मिला, तो भी उनके कैंडिडेट को जिता के ला लिए सिर्फ शरद पवार जी के कहने पर, पवार साहब के कहने पर, पवार साहब के निर्देश पर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से महाराष्ट्र में काम किए, मध्य प्रदेश में काम किए, छत्तीसगढ़ में काम किए, तेलंगाना में काम किए। पवार साहब के कहने पर अगर हम काम कर सकते हैं तो पवार साहब के कहने पे कांड भी कर सकते हैं। तो समझ लो, अच्छा करने की भी आदमी में क्षमता होती है और बुरा करने की भी होती है। जिसमें अच्छा करने की क्षमता होती है उसी में बुरा करने की होती है, जिसमें बुरा करने की होती है जरूरी नहीं है कि अच्छा करने की हो, लेकिन यह सच है कि जिसमें अच्छा करने की क्षमता है वो बुरा भी कर सकता है। तो पवार साहब भी भली भांति परिचित है कि यह मूवमेंट की ताकत क्या है, नहीं तो इतना खतरनाक आदमी, देश का सबसे डेंजर पॉलिटिकल नेता, मैं एक्सपीरियंस वाला नेता नहीं बोलता हूं, एक अलग लैंग्वेज में बात करता हूं, सबसे खतरनाक अनुभव है वो भारत का, सबसे डेंजरस। और वो उसके हमारे साथ में संबंध, हमारे साथ में उसका उनका प्यार, हमारे ऊपर उनका विश्वास, हमारा उन पर विश्वास, हमारे साथ उनका संवाद ये चल रहा है। और आपसे भी वादा करता हूं कि जुन्नर पे आर पार की बात होगी, पार्टी और संगठन का मामला नहीं रहेगा, वहां सामाजिक मामला रहेगा। मैं पवार साहब से चर्चा करूंगा जुन्नर पर, राजनीतिक लाइन से नहीं, सामाजिक लाइन से। सामाजिक चर्चा खुलेआम होना चाहिए, सामाजिक देवान देवान की बात होनी चाहिए, ये चर्चा हम लोग करेंगे। बिरसा ब्रिगेड का ये वादा है, जितने कार्यकर्ताओं ने इस परिषद को आयोजित किया, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपका कच्चीकरण शुरू हो गया। मैं कैसे हो रहा है, ये करना है, इसकी बातें करने का भी टाइम नहीं है, लेकिन तीन बात मुख्य बात बता देता हूं। ये लोगों ने तय कर लिया आदिवासियों को खत्म करने का, आदिवासी बजट का डाइवर्शन, आदिवासी बच्चों का एजुकेशन के साथ खिलवाड़, उनके जीवन के साथ खिलवाड़, आदिवासी अधिकारों को खत्म करने का प्लानिंग, पेशा के अधिकारों को खत्म करने का प्लानिंग, तुम्हारे भूमि अधिकारों को खत्म करने का प्लानिंग, जो ट्राइबल रिस्टोरेशन लॉ है जिसको बोलते हैं भूमि वापस करने का, जो नियम है उसको खत्म करने का प्लानिंग, क्या हुआ है पूरे 2,00,000 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन थी और अभी केवल 22,000 हेक्टेयर जमीन बची है। वही हाल यहां पर भी है जुन्नर में, यहां पर 2,50,000 हेक्टेयर जमीन थी आदिवासियों के पास में, अभी 1,25,00,000 हेक्टेयर बची है, जिसमें से आधी जमीन फॉरेस्ट के पास है। साथियों, जमीन है तो हम हैं,
मैंने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में लिखा है कि आप वनों के बगैर यानी जंगल के बगैर आदिवासियों की परिभाषा और आदिवासियों के बगैर जंगल की परिभाषा नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में अपना सबसे बड़ा पिटीशन है और उस पिटीशन में पांचवें अनुसूची के अधिकार, ग्राम सभा के अधिकार, तुम्हारे पैसा के अधिकार, तुम्हारे 13-3 का जिसको ये लोग बोलते हैं ग्राम सभा के वैसे नहीं, उसको स्पेशल राइट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनअमेंडेबल राइट्स, यानी जिसमें किसी भी टाइप का संशोधन नहीं हो सकता है, वो राइट्स है आदिवासियों के। ऐसा किसी समाज के लिए राइट नहीं है आदिवासी से पहले भारत के संविधान में जो आदिवासियों को दिया गया राइट्स है। मेरे भाइयों, इन तमाम राइट्स की लड़ाई को लड़ने के लिए आपके साथ की जरूरत है, आपके हाथ की जरूरत है, आपके आर्थिक मदद की जरूरत है। इस मिशन सब लड़के ऐसे पल रहे हैं, नवनाथ जैसे लड़के बेचारे भूखे उठते हैं, घर बार नहीं देखते हैं, जहां मिल रहा है वहां खाना खा रहे हैं और काम कर रहे हैं। मेरी भी हालत आपकी जैसी ऐसी है, आज कोई बहुत अच्छी हालात नहीं है बिरसा ब्रिगेड के। आपसे झूठ नहीं बोल रहे दादा, मिशन के पास आने जाने का भी किराया नहीं रहता, मेरे को एक किराया देते तब मैं आना जाना करता हूँ। किसी समय मैं भी एक क्लास वन ऑफिसर था, मैंने भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से डिप्टी एग्जीक्यूटिव रैंक तक के मैं एमएससीबी में था। मैं रिजाइन किया, जो लोग मेरे को चाय पिलाते थे आज वो मैं उनके पास चंदा मांगने जाता हूँ तो बोलते सतीश मैं इतना पागल हो गया, इतना अपमान होता है। लेकिन मेरे को समाधान है कि हमने रावोजी भांगड़े की विचारधारा को जिंदा किया, कंटेबिल की विचारधारा को जिंदा किया, बिरसा मुंडा की विचारधारा को जिंदा किया, बाबूराव शेरवाते की विचारधारा को जिंदा किया। हमारे जितने शहीद हैं इनकी विचारधारा को समाज में जिंदा रखे और आज हमको महसूस हो रहा है कि शहीदों के विचारों से समाज जिंदा रह सकता है, नेताओं के विचारों से नहीं। जब आपके जैसे लोग, ऐसे लोग बिगर बुलाए यानी बिगर कोई स्वार्थ रखे समाज के लिए आते हैं, ऐसे लड़के जो कैप पहनते हैं, इस कैप को तीन ही टाइप के लोग पहनते हैं इस देश में, एक फोर्स में रहने वाले लोग, सेना के लोग, दूसरे नक्सलवादी पहनते हैं और तीसरा बिरसा ब्रिगेड के लोग पहनते हैं। तो अपने यहां के कुछ देर शायने नेता बोलते हैं हाथों नक्सलवादी सार का बांट दो, एक षड्यंत्र चल रहा है तुमको नक्सलवादी बोलने का। अबे नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है लेकिन आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता है, ये पूरे समाज को नक्सलवादी बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि आपको नक्सलवादी बोलने के बाद मारने की परमिशन मिल जाती है। 16-16 साल की लड़कियां, 22 साल की लड़की के हाथ में गन है, बंदूक है। इस देश में कौन से समाज की लड़की के हाथ में बंदूक है? कोई जाके पूछता नहीं कि जिस उम्र में तूने लाइब्रेरी में जाना चाहिए, जिस उम्र में तेरे हाथ में किताब होनी चाहिए, उस उम्र में तेरे हाथ में बंदूक कैसे आई? तुम्हारा कोई वाली नहीं है। तुम्हारे नेता के क्या बोलू अब, तुम्हारे नेता इतने बेईमान है कि बात भी नहीं करते ऐसे सब्जेक्ट पर, विचारों पर बात नहीं करते, ऐसी परिस्थितियों पर बात नहीं करते। वो आदिवासी क्षेत्रों में बंदूक की गोली मिलती है लेकिन पैरासिटामोल की गोली नहीं मिल रही है, ये सच्चाई है। वहां पे बच्चे बंदूकों की गोली से मर रहे हैं और मेडिसिन नहीं मिल रहा तो भी मर रहे हैं। साला जहां पे कुपोषण है वहां ब्लड कैंप लेते, जहां खाने को नहीं है वहां खून का ब्लड रक्तदान शिविर लेते हैं। बाद में पता चला कि ये रक्तदान शिविर के पीछे का षड्यंत्र क्या है, तो आदिवासी 800 रुपए में अपना खून बेच रहे हैं। वो बेचारे खून बेचते हैं और अपने राशन की दुकान में जाते हैं, कोई किडनी बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है। ये हालत अपने समाज के है और हमारे गांडू नेता चुपचाप है। ऐसी हालत कौन से समाज की है? बच्चे बेच रहे हैं हमारे आदिवासी लोग, क्या हालत में जी रहे हैं? कोई धावारी से तुम्हारा कोई बोलने वाला नहीं है, मैं यहां खड़े रखता हूं, आपका कोई गॉडफादर है? टिकट मांग रहे हो आप? है पीछे आपके कोई नेता जो आपको प्रोटेक्ट कर सके?
देगा आपको टिकट, आपको कोई टिकट विकेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका तो गॉडफादर ही नहीं है। लावारिस है ये आदिवासी समाज जो है, आदिवासी समाज ये राजनीतिक रूप से भी लावारिस है और सामाजिक रूप से भी लावारिस, कोई जवाबदारी लेने वाला नहीं है हमारी। इसलिए हम लोगों ने इस मिशन को खड़ा किया, भाई ये नया नया है, नया मुल्ला थोड़ा जान जम के देता है, हमारी हालत थोड़ी नाजुक है, अपने मिशन की नाजुक है। आप लोग बहुत सारी अपेक्षाएं मिशन से मत करो, बस इतना वादा करता हूं कि बिकेंगे भी नहीं और बिकने भी नहीं देंगे अपने समाज को। मैं इतने जम के इतने हिम्मत से आप लोगों के बीच में बोलता हूं, बाकी नेताओं को बहुत तकलीफ होती है, गाडू बोलता है अपने ऑफिसर लोगों को, बैल बोलता है, सतीश पिंदा बैलांचल सम्मेलन पोलाए का, कर्मचारियों का अधिकारियों का सम्मेलन था, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, पोले में जाना है क्या, क्या हालत है। अबे जिसको गॉड बोलते हो तुम, जो समाज का चालक पालक और मालक है, जीओडी गॉड, जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर, वो आदमी जो समाज का पालक चालक और मालक होना चाहिए, वो महाराजों के पीछे घूम रहा है, पार्टी के पीछे घूम रहा है, संगठन के पीछे घूम रहा है। वो जीओडी गॉड की जगह उल्टा हो गया, डीओजी डॉग हो गया। ऐसी परिस्थिति में समाज, ऐसे चक्कर में फंसा हुआ समाज है। आप लोग, आपका कोई वाले नहीं है, कोई आना नहीं है सामाजिक मिशन को चलाने के लिए। मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोग बोलते 70 साल से कोई विकास नहीं हुआ, विकास उसी समाज का होता है भैया, लोकतंत्र में, जिस समाज के पास सामाजिक मिशन हो। आपके पास मिशन ही नहीं था, कोई सोशल सिस्टम ही नहीं है, कैसे आपका विकास होगा दादा, आपकी तो लूटी होगी, आपका शोषण ही होगा। मुसलमानों के पास कुछ नहीं है तो भी वो सिस्टम है करके उस समाज का कचरे बेचने वाला भी आदमी जिंदा है। आपके पास क्या सोशल सिस्टम है, कौन सी सामाजिक व्यवस्था है जो अपने समाज को जिंदा रख सके। आप तो गवर्नमेंट के भरोसे जिंदा रहना चाहते हो, नेताओं के भरोसे और पार्टी के भरोसे समाज को जिंदा रखना चाहते हो, यह गलत बात है। समाज को जिंदा रखने के लिए आपको सामाजिक मिशन की ही जरूरत पड़ेगी, आपको नेताओं और पार्टी के भरोसे आप इतने बड़े समाज को जिंदा नहीं रह सकते। सब नेता मिलकर, सब नेताओं ने पार्टी को छोड़कर एक अपनी सामाजिक सोच रखनी चाहिए। लई डाला आता जे गाई डाला, जो उल्टा सीधा हो गया, जिसने उल्टे सीधे काम किया, भूलकर हम लोग एक जगह आकर समाज के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं क्या। मैं दादा पिछले एक महीने से ढूंढ रहा हूं कि पूरे आदिवासी नेता गुप्त रूप से किसी बंगले में या किसी रूम के अंदर बैठ के जंगल में प्लानिंग कर रहे होंगे, अपना समाज अच्छा काय कराए चेरे बाबा, साला इतना दूर तो नहीं, चाय पे बैठते हुए भी नहीं दिख रहे, गणपति की आरती करते हुए भी नहीं दिख रहे, एक जगह किसी मैयत में भी एक जगह नहीं दिख रहे, शादी में भी नहीं दिख रहे, अबे तो कब दिखेंगे, नहीं खाते हुए दिख रहे, एक जगह तो दूसरी जगह तो दिख जाओ कम से कम। अपनी प्लानिंग कैसे करते, एक छोटा सा उदाहरण जिसमें हंसी भी आती है गुस्सा भी आता है। मेलघाट का एक बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा कुपोषण था, मैं गया सर्वे करने के लिए गया, मेरे को बड़ा स्वागत हुआ, सतीश पेंदा माला, कुछ नए लड़के अट्रैक्ट होते हैं, भाऊ मी वीडियो मध्ये तुम्हाला फेसबुक ला फॉलो करतो, ये बघा, बोला ठीक है चलो आगे। वहां देखा सबसे ज्यादा कुपोषण, और वहां काम चल रहा था संडास बनाने का, वो हागवंदारी मुक्त गांव, अबे उसको खाने को नहीं है, उसकी खाने की व्यवस्था कर, पहले हगने की क्या कर रहा है बे, ये सारा प्लानिंग ही बहुत अलग हो जाता है। सरकार आपको 2 लाख रुपए देती है लेटरिन बनाने के लिए, लेकिन किसी बच्चे को 2 लाख रुपए का लोन नहीं देती है, मामला क्या है।
पहनने का बंदोबस्त कर लेंगे हम, खाने का बता। 2 लाख रुपए संन्यास के लिए दे रहे हैं लोग, क्योंकि उसमें ठेकेदार नेता और बाकी लोगों की मिली जुली सरकार है। लेकिन तुम्हारे बच्चे को 2 लाख रुपए का काम नहीं मिल रहा है, 2 लाख रुपए का लोन का प्रोविजन नहीं है। ऐसी योजना है, ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे, कैसे समाज को बचाएंगे? अब गड्ढे खोदने के लिए जा रहे हैं अपने लोग, बेचारे कोई काम नहीं मिल रहा, खेती में पानी नहीं आता, सिर्फ महीने में एक बार खेती करते हैं, जो मिल गया मिल गया, बाकी डोंगर घर डोंगर एरिया में कहां से पानी आएगा, कहां से पाइप मिलेगा उसको? तो वो जाते बाकी दिन तो मेहनत करते हैं, वो गड्ढे खोदते हैं। अब गड्ढे खोदने की भी मशीन मिल गई है, वो गड्ढे खोदने का भी काम आपको नहीं मिलेगा, जिंदा कैसे रहोगे? महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों में एक आदिवासी आदमी की जो रोज की इनकम है वो 12 रुपए पर डे है, उसकी पर कैपिटल इनकम जिसको बोलते हैं पर डे 12 रुपए है। 12 रुपए में उसके पीछे 5 लोगों का परिवार है। मेरे को आप बताइए, यहां बैठे हुए सभी विद्वान लोगों से, सभी महामानव अपने जो भी साथ भाई लोग हैं, सबसे विनती है, 12 रुपए में एक परिवार कैसे पलेगा 5 लोगों का? क्या खाएंगे बताओ, क्या खिलाएगा? अबे 12 रुपए की कैडबरी चॉकलेट नहीं आती? तुम जिंदा कैसे रहेंगे? बार बार उस तरफ ध्यान लेके जा रहा हूं मैं, तुम्हारा प्रश्न वो आरक्षण का नहीं है, जगण्याचा प्रश्न है आपला। आपण कसं जगू, कसं जगू शकतो, आपलं अस्तित्व कसं टिकवणार, आपण आपला जीवन कसं टिकवणार, त्याला सुरक्षित कसं ठेवणार, आपली येणारी पिढीला आपण कसं सुरक्षित ठेवणार, याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करत आहात। आणि हा दुर्लक्ष करणे आपल्या समाजासाठी, आपल्या येणाऱ्या पिढीसाठी खूप धोकादायक आहे। हमारा ध्यान अपने हक और अधिकारों की तरफ ले जाने के लिए इस परिषद का आयोजन किया गया। मेरे भाइयों, जो षड्यंत्र अपने खिलाफ में चल रहा है उसके तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। मिशन के माध्यम से जितना संभव हो समाज को न्याय दिलाने की हम लोग जवाबदारी लेंगे, करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ गलती होगी, कुछ होता है, गलत हो गया होगा, कोई डिसीजन गलत होता है तो समझाया करो, बोला करो, बताया करो। लेकिन पूरा ये बिरसा ब्रिगेड के ऊपर डिपेंड रहना और उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करना ये गलत बात है। ये तो भूखे से भूखी भिखारी से भीख की मांग करने वाली बात होता है। खुद बिरसा ब्रिगेड वो संगठन, सामाजिक संगठन है, और उससे राजनीतिक तरीके की बहुत सारी अपेक्षा करना, मैं क्योंकि आपकी अपेक्षा भंग हो सकती है कल, हो सकता है कल यहाँ नायब नहीं मिले तो बताएंगे खूब आला होता सतीश मेहता, खूब मोटे मोटे भाषण ठोकट होता इधर, काज केला करे, क्या किया उसने? ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। पूरा ईमानदारी से सामाजिक प्रयास होगा कि जुन्नर में आदिवासियों का अस्तित्व रहे। हम तमाम लोगों से, बैठी हुई महिलाओं से, सब लोगों से विनती करता हूं, कम से कम आपकी मेहनत का 1 रुपए रोज मिशन को जाना चाहिए। आप लोग ट्रेनिंग लो, ट्रेन हो जाओ, आपका जनरल नॉलेज बढ़ाओ, स्वयं रोजगार की तरफ अपने आप को ये करो, घर में बैठ के मत रहो। महिलाओं ने घर में रहना है, आरती करना, उपवास करना, एक आए बिरसा मुंडा, राघो जी भांगरे जी, ये विचारधारा नहीं है। मालूम है राघो जी भांगरे की माँ के साथ क्या हुआ? कौन बताएगा राघो जी भांगरे की माँ के साथ क्या किया गया था, बताओ? वो बताओ, आप उसके वंशज है, आपको मालूम होना चाहिए, वो आपका भगवान है। उसकी मां के दोनों हाथ को काटा गया। ऐसी सजा किसको मिली है? किसके परिवार में ऐसी सजा मिली है? राघोजी भांगरे की जो पत्नी थी उनके मृत्यु के बाद भी उसने मूवमेंट चलाई, उसके साथ क्या हुआ? उसके बेटों के साथ क्या हुआ? टंटे बिल के साथ क्या हुआ? बाबूराव शेरवाके के साथ क्या हुआ? बिरसा मुंडा के साथ क्या हुआ? नागा कातकरी के साथ क्या हुआ? थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। बाप भी क्रांतिकारी, मां भी क्रांतिकारी, काका भी क्रांतिकारी,
खुद भी क्रांतिकारी, उसका बेटा भी क्रांतिकारी, रामाजी भांगरे भी क्रांतिकारी, उसका बेटा बाप राघोजी भांगरे भी क्रांतिकारी। एक परिवार में इतने लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है, ऐसा परिवार देश में बताओ, है क्या देश में ऐसा परिवार? तो भी अभी तक के राघोजी भांगरे के स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिला है, उसके साथ मजाक कर रहे हैं, अभी तक के उसकी फंडिंग नहीं हुई है, कोई नेता उसको विधानसभा में नहीं बोल रहा है। तो तेरा भगवान है ना बे, तुझा देव है ना, तो ताचा मुड़े तुझा तुझा अस्तित्व है ना, बाड़गाची माची, वो क्या बोलते हैं बाड़गाची माची, उसके लिए क्या किया? 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, 5 साल गुजर गए, अभी तक के वो पत्थर भी नहीं रखे बराबर, जमीनें भी नहीं ली गई, मजाक कर रहे क्या आदिवासियों के साथ में? इतना बड़ा अपमान हम सहन नहीं करेंगे राहुल जी भांगरे का। 5 साल हो गए इस घटना को, मैंने लेके गए, हम शरद पवार जी को लेके गए थे हेलीकॉप्टर से, वहां पर उसका भूमि पूजन किए थे, और विश्व का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने का प्लानिंग था वो मिशन का। अगर वो जैसे प्रोजेक्ट को भी इन्होंने खत्म कर दिया, यानी इनकी नियत आपकी सोच यानी आपका साथ देने की हो सकती है, यानी हमारे बारे में कोई अच्छा सोच रहा है क्या? तो फिर कौन सोचेगा? हमको सोचना पड़ेगा। एक उदाहरण दिया मैंने आप मेरे भाइयों, बोलने के लिए बहुत कुछ था, मैं सबको सुना, प्रवीण पारधी को सुना, बड़ा गरम दिया, बहुत प्यारी बात किया, भोले सर ने बोले, अपने दादा ने बोले, आदिवासी वादक दादा ने, उन्होंने भी बोले, दादा ने, कुछ लोगों ने बहुत सेंसिटिव प्रश्नों पे बात की, बहुत संवेदनशील प्रश्नों पे बात हुई, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है, क्या रिजल्ट है आज का, क्या रिजल्ट, क्या करना चाहिए आप लोग बताइए, कैसे करना चाहिए, क्या रास्ता है इसका, कौन बताएगा? ये समस्याओं से कैसे बाहर निकले, अपने अधिकारों को किस तरीके से सामने लाए, हमारे बाकी उद्देश्यों को कैसे साध्य करे, हमारी जनरेशन को कैसे यहां करे, राज्य की राजनीति में हमारा सामाजिक हस्तक्षेप कैसा खड़ा करे, इसको किस तरीके से करोगे ये बताओ बड़ा। ये बैठकर खुले रूम में बात, खुले यानी मंच में बात करने वाली सब्जेक्ट नहीं है, ये बंद रूम का सब्जेक्ट है, और बंद रूम में इसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का जवाब आपको रणनीति से देना है, और आपके पास रणनीति होनी चाहिए। आज के दिन आप लोग इतने देर से बैठे हैं, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई लोग, मेरे बुजुर्ग लोग, हमारे माता पिता तुल्य लोग हैं, मैं इसको एक सामाजिक पंचायत मानता हूँ, एक अच्छी सामाजिक बैठक मानता हूँ। आप तमाम लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक डिसीजन जरूर लेंगे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, इस पर आप लोग सवाल जवाब करेंगे। लेकिन ऐसी बैठकर 10-15 मिनट 20 मिनट हम लोग देंगे, मैं आगे की बात रखने के लिए आज की जो अध्यक्ष दादा हमारे बुजुर्ग, मैं उनसे विनती करता हूं, उनको यहां पर बुला के आप लोग उनका स्पीच कराएंगे। मैंने कोई भाषण नहीं दिया, मैंने वही बात रखा जो सच है, मैं आपके सामने अपना दुख बता रहा हूं, मेरा भी कभी कभी माइंड नहीं चलता, मेरे को भी सहारे की जरूरत पड़ती है, मैं किसके दरवाजे पे जाऊं ये बताऊं, मैं पूरा देश घूमता हूं भाइयों, मेरे को मारने की धमकी, ये धमकी खत्म करने की धमकी, ऐसा वैसा ये रोज होता है, मेरा पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब कर दिए लोगों ने, दूसरे कम अपने लोग भी ज्यादा है, उनको समझता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कई तरी टोंडा दिए थे या निगुन जाते कुछ भी बोलते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, ये सड़ी बातें करना छोड़ो, हाँ ठाकर आए मेवार ले आओ, हाँ महादेव कोड़ी आए, ये गांडूगिरी की बात छोड़ो, ये मानसिक नपुल सकता है, इससे बचो। हमारे शहीदों ने किसी एक जाति जनजाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, ये पूरे समाज के लिए लड़े हैं,
समाज बहुत बड़ी है, जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाए तो वो भगवान बन गया, ये लोग तो तुम्हारे लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे लटक गए, अभी तक भगवान नहीं बनाए आपने, आपने दूसरों की विचारधारा पर अपना जीवन जिए, आपकी खुद की विचारधारा खड़े नहीं कर पाए, ये वैचारिक लाचारी से अपने समाज को अलग हटाओ, एक जगह आओ, पार्टी से ज्यादा प्रेम नहीं, पार्टी बाद में पहले समाज, नेता बाद में पहले समाज, पार्टी बड़ा की समाज, नेता बड़ा की समाज, समाज है तो आप है तो आरक्षण है, समाज है तो रिजर्वेशन है, समाज है तो प्रावधान है और आपकी पहचान है, आपका जीवन है, समाज बहुत बड़ी चीज है, आपके जीवन में समाज भगवान से बड़ी चीज है, ये बात मैंने नहीं बोला था, भगवान लालू जी भांगड़े ने बोला था, आज के बाद किसी भी क्रांतिकारी के सामने आपको भगवान शब्द लगाना है, मैंने किसी ने सुना लालू जी भांगड़े तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा, उसको बोलना है भगवान लालू जी भांगड़े, ये भगवान के भी बड़े लोग हैं, आपके बेटे को बड़ा बोला तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ जा, चलो बीबी को ही बोलो तुझा सुबत में इतना जीवन जीवन गेला आजा साहब तू फांसी में, हो सकता है क्या? फिर ये लोग तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़े हैं, अरे फांसी का वो रस्सी था वो टूट गया था राघव जी भागने का, नियम बोलता है कि फांसी का अगर वो रस्सी टूट गया तो उसको फांसी नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी बार डबल रस्सी बांध के फांसी दी गई राघव जी भांगड़े, भारत में एक केस बताओ ऐसी हुई क्या, राघव जी भांगड़े विट्ठल रुक्माई के मंदिर में पकड़ा गया, वहां काई के लिए गया था राघव जी भांगड़े, क्यों गया था, किस लिए गया था, किसने बुलाया था, राघव जी भांगड़े की वजह से शिवाजी महाराज के वंशज प्रोटेक्ट हुए, उनका स्वरक्षण करने वाला शिवाजी महाराज के वंशजों का स्वरक्षण करने वाले भगवान का नाम है राघव जी भांगड़े, संभाजी महाराज का असली वारिस राघव जी भांगड़े है, ये सच्चाई, जो लोग बोल रहे हैं महाराजा साजी हमें चालो तो हमें ये चालो कबे, हमको नकली बात मत कर असली बात कर, पहला सवाल शिवाजी महाराज की लड़ाई में संभाजी महाराज के संघर्ष में सबसे ज्यादा किस समाज की कुर्बानी हुई है उसके बारे में बताओ, किस समाज के लोगों की सबसे ज्यादा कुर्बानी दी गई है उस परिवार के लिए, सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन से समाज ने दिया है, आदिवासियों ने, तो उसके विचारों में भी हक किसका होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा में भी पहला दावा किसका होना चाहिए, ये याद में रखना है, समय आ गया भाई अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को साबित करने का, हम लोग धीरे धीरे संभाजी महाराज पर, शिवाजी महाराज पर और खास करके राघव जी भांगड़े हमारे जितने शहीद हैं उन पर धीरे धीरे लिटरेचर्स निकालेंगे, मैं कहानी लिखने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं विचारधारा का शोध करना चाहता हूँ, मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया है, भारत के 240 क्रांतिकारी आदिवासी क्रांतिकारियों का जो आंदोलन था उसकी स्टडी करके हम लोगों ने जैसे मार्क्सवाद है अम्बेडकरवाद है वैसे बिरसावाद की बात हम लोग खड़े कर रहे हैं, मेरे भाइयों इस विचारधारा के भरोसे पूरे देश के नहीं विश्व के आदिवासी एक जगह आ सकते हैं, सातों साथ यहाँ के मजदूर किसान और बाकी हमारे दबे कुचले भाई लोग शोषित भाई लोग भी हमारे साथ आना चाहिए, ये सोच रख के हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, आज के दिन मैं आपसे इतना ही प्रॉमिस करता हूँ कि जो आप लोगों ने हक अधिकार परिषद लिए इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये हम लोग बताना चाह रहे हैं, मैं हमारे अध्यक्ष दादा है उनको या दादा तुम्हें बोला नहीं तो रहे लोगो सतीश बहु जब हासिल जाल आता घर ही जा तो मैं इतना हाल तो भाई घडामोडींसाठी महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजला सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स.